जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय चैनल टीआर न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से, नगर निगम पानीपत द्वारा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज टीआर न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी हाँ, क्या है बड़ी खबर, हम आपको लिए चलते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, राहत की खबर, निगम ने शुरू की कवायद, पानीपत में पार्क व सड़कों का 84.88 लाख से होंगे विकास कार्य। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग न्यूज है। जी हम आपको बता दें, वार्ड 14 में अब पार्क व सड़कों के हालात जल्द ही सुधरने जा रहे हैं। इसके लिए निगम ने 84 लाख का टेंडर लगा दिया है। इसमें सेक्टर 12 में स्थित ग्रीन पार्क के लिए 39 लाख और वर्क ऑर्डर जारी कर काम शुरू कर दिया है। इसमें सड़कों को भी बनाने की वर्क ऑर्डर जल्दी जारी किया जाएगा। इसमें वार्ड की सड़कें इंटरलॉकिंग की बनाई जाएंगी। इसके लिए वार्ड में ऐसी सड़कों का चयनित किया गया है जहां काम शुरू किया जाएगा। वार्ड 14 में मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। अब हर समस्या का समाधान के लिए निगम ने लाखों रुपए का टेंडर लगा दिया है। इसमें डीएवी पार्क, एकता पार्क, गंगा पार्क के आसपास की सड़कें बनवाई जाएंगी। इसके साथ ही घोसली एरिया की सड़कों की भी रिपेयरिंग की जाएगी। इन सभी क्षेत्रों की सड़कों की रिपोर्ट तैयार पार्षद शकुंतला गर्ग ने निगम को दे दी है। इसके आसपास लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सेक्टर 11 व 25 में सबसे ज्यादा सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इसके आए दिन हादसे का अंदेशा बना रहता है। सड़कों के निर्माण के लिए बजट जारी हुआ है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। वार्ड 14 की पार्षद शकुंतला गर्ग ने जागरण से बातचीत में बताया कि निगम को वार्ड की समस्याओं का ब्यौरा सौंपा था। अब सड़कों व पार्क मेंटेनेंस के लिए 84 लाख का टेंडर लग चुका है। कुछ प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ऐसे ही हरियाणा से जुड़ी हुई खबर पाने के लिए आप टीआर न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। जी हां, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।